नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन, मैं हूं आपके साथ कनिका। जबलपुर नगर निगम में सुरक्षा कर्मी से मारपीट करने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि मारपीट के इस घटना के बाद नगर निगम के अधिकारी, कर्मचारी और बीजेपी पार्षद आक्रोशित थे। राजनीति के क्षेत्र में भी हलचल मची हुई थी। यह पिछले दिन कुछ जो सीसीटीवी कैमरे फुटेज में आया था नगर निगम में जो मारपीट हुई थी, उसमें कितने आरोपी गिरफ्तार हुए? उसमें टोटल जितने शक्ति चौकसे के साथ जो पांच अन्य लोग दिख रहे हैं, इन सबको गिरफ्तार करके आज जुडिशियल रिमांड पे जेल भेजा गया है। इसमें और कुछ बड़े लोगों को नाम है ऐसे सुनने आया था, कुछ ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनका चूंकि 17 जनवरी को जो विवाद हुआ था, उसका पटाक्षेप तब समय उचित तरीके से नहीं हो पाया था। उसके फॉलो अप में और उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप ये घटना घटित हुई थी, और इसको ये भी कह सकते हैं कि सडन टेम्पटेशन पे था, क्योंकि अचानक दोनों ही पक्ष आमने सामने आ गए तो उनमें लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। बुलंदशहर में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने बाला साहब ठाकरे और सुभाष चंद्र बोस की जयंती धूमधाम से मनाई। इस अवसर पर शिवसेना ने नगर के प्रमुख चौराहों से होकर एक शोभा यात्रा भी निकाली, जिसमें डीजे पर डांस करते, हाथों में तलवार लेकर नारे लगाते हुए शिव सैनिक नजर आए। शोभा यात्रा में देशभक्ति के गीतों पर शिव सैनिक थिरकते हुए नजर आए। शिवसेना ने जिला कार्यालय पर बाल ठाकरे और सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई और उनके चित्र पर माल्य अर्पण किया। ये क्या संदेश देना चाहते हैं? आज जो हमारे श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी का जन्मदिन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती का जन्मदिन है, आज उसी उपलक्ष में आज हमने शिवसेना की रैली निकाली है और हिंदुओं को एक संदेश दिया है कि एक हो जाओ, अभी भी वक्त है। जब तक हिंदू एक नहीं होगा, जब तक देश पर हिंदुओं का राज नहीं हो सकता। शिवसेना पूर्व में भी इसी तरीके के प्रोग्राम करती आई है और करती रहेगी। श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जो हिंदू पिकर एक नेता थे, आज वर्ल्ड में दिल से लोग उनका सम्मान करते हैं, आदर्श हैं वो हमारे। आज उन्हीं के सिद्धांतों पर आज शिवसेना बुलंदशहर को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रयागराज में चल रहे कुंभ मेले के मद्देनजर प्रदेश में प्रेम और सौहार्द बना रहे, इसके लिए शासन ने मेले की समाप्ति तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट रखा है। वहीं एडीजी मेरठ प्रशांत कुमार ने बताया कि जब कोई राज्य स्तरीय कार्यक्रम होता है, जैसे कुंभ तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आयोजन है, भारी मात्रा में जहाँ फोर्स भी गया हुआ है। कुंभ और 26 जनवरी को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में और खासकर जो एनसीआर है उसमें विशेष सतर्कता बरती जा रही है, क्योंकि इस समय काफी वीआईपी का मोमेंट्स है। आने जाने वाले सभी रास्तों पर बैरियर लगाकर चेकिंग की जा रही है। सर, कुंभ के लिए वेस्ट यूपी में हाई अलर्ट जारी हुआ है, क्या मामला है, क्या दिशा निर्देश दिए? जब कोई राज्य स्तरीय आयोजन होता है, जैसे कुंभ का है, कुंभ तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आयोजन है और भारी मात्रा में यहाँ से फोर्स भी डिप्लॉय किया गया है। कुंभ और 26 जनवरी को लेके या पूरे उत्तर प्रदेश में और ख़ासकर जो एनसीआर है उसमें विशेष सतर्कता बरती जा रही है, क्योंकि इस समय काफ़ी वीआईपी इसका मूवमेंट है और दिल्ली से आने जाने वाले सभी रास्तों पर बैरियर लगा के चेकिंग की जा रही है। विशेषकर जो दिल्ली में एंट्री के रास्ते हैं, इसके अतिरिक्त जितने भी होटल्स हैं, धर्मशालाएं हैं और ऐसे जगह हैं जहां अराजक तत्व छिप सकते हैं, इनका वेरिफिकेशन भी कराया जा रहा है। और इसके अलावा जो हमारे सर्वेंट्स हैं उनका भी वेरिफिकेशन व्यापक स्तर पे सभी अपने सिस्टर एजेंसियों के साथ मिलकर कराया जा रहा है। और प्रयास यही है कि जो 26 जनवरी है या कुंभ के समय इस तरह की कोई अप्रिय घटना ना होने दी जाए। देशभर में गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर है। वहीं हरियाणा के करनाल की बात करें तो यहां पर भी गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर नई अनाज मंडी में गणतंत्र दिवस समारोह की फाइनल रिहर्सल का आयोजन किया गया। वहीं हर बार की तरह इस बार भी गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा। इस गणतंत्र दिवस समारोह पर हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष कंवर पाल मुख्य अतिथि होंगे। वहीं इस मौके पर एसपी सुरेंद्र सिंह भौरिया ने कहा, गणतंत्र दिवस को लेकर शहर भर में सुरक्षा के मद्देनजर पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। एसपी सुरेंद्र सिंह भौरिया ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। फाइनल रिहर्सल के अवसर पर स्कूली बच्चों ने कई तरह के रंगारंग कार्यक्रमों से अपनी प्रतिभा दिखाई।
खैर जिला प्रशासन की सभी तैयारियां जोरों पर है। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर पुलिस ने शहर भर में सुरक्षा के मद्देनजर पुख्ता इंतजाम किए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम ताजा और तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए CNN। तब तक के लिए नमस्कार।